तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर जो आप लोग को दिखाने वाला आप लोग देख के कहेंगे वाह ये क्या कर दिया आपने। तो आज जाए तो फाइनली यार आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ने पूरे 20 फुट का गुड्डा बनाया यार। आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा गुड्डा। अगर मैं इसको हाथ भी लगाऊं तो मेरा हाथ दिखाओ तो यार मेरा हाथ बिल्कुल नहीं लग रहा। इतना बड़ा तंग आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। अगर पहले कभी नहीं देखा तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 10,000 लाइक। अगर आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर 10,000 लाइक कर दिए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग पूरे 3 इस तरह के बड़े बड़े गुड्डे बनाएंगे। यार आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज्यादा बड़ा गुड्डा। तो इसके पास तो यार मैं अभी बिल्कुल बच्चा लग रहा हूँ। यार आप लोग देख सकते हैं इतना सारा वो। और यार आप लोग देखे कितना ज्यादा बड़ा गुड्डा। तो देखे इसका पराई भाई नासिर भाई कितने इतना आता है यार। पराई इतना आ रहा है तंग। तो यार देखे तो अभी इसके पास बच्चे नासिर भाई अभी यार किसी बच्चे को बुलाते हैं और देखते हैं साइज। इधर वाली ये चेक करें। अगर अली यहाँ पे खड़ा हो तो सिर्फ इसके परे से भी यार से छोटा है। आप लोग देखे यार कितना ज्यादा बड़ा गुड्डा है। तो अभी हम लोग इस पतंग की तुला में डालेंगे उड़ाएंगे चेक करेंगे कि इतना बड़ा पतंग जब आसमान पे जाएगा तो क्या होगा। आप लोग सोचे कितना ज्यादा मजा आएगा। तो करते हैं आज किस मजेदार वीडियो को। आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो करते हैं वीडियो को। अबू बकर प्रो प्लेयर वीएस नासिर लेट्स गो। तो गाइस इतने बड़े पतंग को उठाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तो यार देखते हैं कि इतने बड़े पतंग को कितने लोग उठा पाते हैं। तो फाइनली यार मुझे तो देख देख के हैरान के लग रहा है। अबू बकर भाई नीचे रहने दो नीचे रहना। अबू बकर भाई इसके ऊपर लेट के दिखाओ यार कितना बड़ा पतंग है। यार अकेला बंदा इस पतंग को नहीं उठा पाता। अबू बकर भाई ये देखो ये देखो मान भाई यार दो बंदे लेट के लेकिन अभी भी यार देखे कितना ज्यादा बड़ा पतंग है। तो अभी जल्दी से इस पतंग को उठाते हैं और तला में डालते हैं और आसमान पे लगाते हैं। जब इतना बड़ा पतंग आसमान पे होगा तो यार इसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा होगी। यार इन पतंगों कोई पता नहीं यार आज की इस वीडियो के अंदर क्या हो जाएगा। टूट जाएगा या कुछ भी हो सकता है। यार इन पतंगों का बड़े पतंग के साथ चैलेंज भी होगा। तो देखेंगे कि ये छोटे पतंग विन करता है या फिर इतना बड़ा पतंग। ये देखें ये चक्कर इतने इतने पतंग ये देखे बस इतने इतने से। यार इसके पाने के नासर में बराबर भी नहीं आ रहा। यार पता नहीं आज क्या आने वाला। करते हैं अबू बकर भाई शुरू। अकेला बंदा इसे नहीं उठा सकता तीन बंदे लग के इसको उठाना पड़ता है। तो अबू बकर भाई इसे उठाओ। ये देखिए यार मजा आ गया यार आज की वीडियो के अंदर। ये देखिए तो अभी अबू बकर भाई इसकी तलामे कैसे डालनी है यार बहुत ही मुश्किल है। निटाई से अभी इसकी निटा के तो तलामे डालेंगे और उसके बाद इसको हम लोग उड़ाएंगे। असर भाई मेरा आपसे एक चैलेंज है। क्या चैलेंज है। आपने अकेले इतने बड़े पतंग की अकेले ने तलाम में डालनी है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल चैलेंज है लेकिन मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तो यार दो बंदे भी इस पतंग की तलाम में नहीं डाल सकते लेकिन नासिर भाई अकेला डालेंगे क्योंकि इसे मिल चुका है चैलेंज। इससे पहले डालूंगा फिर उसके बाद वहां से डालूंगा। नासिर भाई जैसे भी डालिया आपने अकेले ने डालनी है। ठीक है अबू बकर भाई आपको डाल के दिखाऊंगा। तो यार आज तो जी उससे अगला दिन कल नासिर भाई को मैंने चैलेंज दिया था। तो नासिर भाई अपना चैलेंज मुकम्मल करें। आपने अकेले ने तलामे डालनी है इतने बड़े पतंग की। तो अभी जी देखें नासिर भाई ने पतंग की तलामे डालना कर दी जी स्टार्ट। तो इतने बड़े पतंग की तलामे डालना बहुत ही मुश्किल काम है। तो देखते हैं कि आज नासिर भाई इतने बड़े पतंग की तलामे डाल पाते हैं या फिर नहीं। देखें बिल्कुल ही नीचे छुप गया पतंग के। तो नासिर भाई ऊपर से तो तलामे डाली नीचे से बहुत मुश्किल से डलेगी। तो ये देखे तो यार इसको उठाने में ही बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये देखे नहीं उल्टा नहीं बहुत ही मुश्किल से नासिर भाई ने उल्टाया पतंग। तो अभी नीचे से तलामे डालेंगे। अभी जी
हम लोग उड़ाने वाले हैं इतना बड़ा गुड्डा, और देखते हैं कि उड़ता कि नहीं उड़ता, कि जो भी होगा आप लोग के सामने ही होगा। तो नासिर भाई गिरा जा रहे हैं, तो अभी यार मैं इतने बड़े पतंग की कन्नी देने जाऊंगा वो आगे। तो यार देखे के इतने बड़े पतंग को मैं और नासिर भाई उठा रहे हैं, तो यार देखे के कितना बड़ा पतंग है, और उठाना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर से कनी दे दी, और देखे के यार फिर से हमारा पतंग हवा में चला गया। तो यार इतना भारी पतंग है कि खुद ब खुद ही नीचे को आ रहा है। कैसे इसका डिड साथ लग चुका है, वाह यार देखे के कितना मजा आ रहा है, और कितना बड़ा पतंग है यार, ऊपर जाके तो बहुत ही कमाल का लगता है भाई। देखिए यार अभी भी हवाओं के अंदर है, वो देखिए यार खुद खड़ा है, वो मजा ही आ गया इतना बड़ा पतंग उड़ा के। यार देखिए कि फिर से हमारा पतंग उड़ चुका, और यार बहुत ही प्यारा लगता है ऊपर जाके। तो यार इतना बड़ा पतंग नहीं उड़ सकता, वाह यार इतना बड़ा पतंग हम लोगों ने जिंदगी में पहली बार उड़ाया, और देखे कि कितना प्यारा लग रहा है। यार अभी भी हवाओं में है, वो देखे सीधा जाके छत के ऊपर गिरा, ओए आप देखे जी भाई, ओए कमाल का पतंग लग रहा है, वो देखे फंस चुका है, वो देखे यार देखे जी दरख्त से तो ये बड़ा पतंग है, और नासिर भाई उड़ा रहा जी वो ऊपर से। तो नासिर भाई इतना बड़ा पतंग उड़ाना कैसा है? बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उड़ जाए, लेकिन यार बहुत ही ज्यादा भारी है, जिसकी वजह से ये नहीं उड़ रहा, हवा बहुत कम है। हवा फिर से उड़ने का, 1 2 3 स्टार्ट करो। फाइनली देखे कि यार पतंग हमारा फिर से उठ चुका है, हवाओं के अंदर है, वाह यार जब ऊपर जाता है तो बिल्कुल ही साथ लग जाता है, ये देखे हवाओं में फुल मजे आ रहे हैं भाई। ये देखे यार नासिर भाई के काम चेक करे, ये देखे यार पतंग हमारा हवाओं में है, उड़ रहा है अभी भी। अब नासिर भाई नहीं नीचे गिरने देना, देखे ऊपर से फट चुका है, लेकिन नासिर भाई तब इसे लेके दो रहे हैं इधर उधर को। तो फाइनली देखे जी के पतंग कितना बड़ा, ओए यार 3 घंटे लगे थे हमें इसे बनाते, लेकिन अब ये उड़ नहीं रहा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस पर, बहुत ज़्यादा मेहनत किया लेकिन सारी मेहनत बेकार हो गई यार। तो गाइस बड़े पतंग ने तो हमें बहुत ही ज़्यादा जलील किया और हफा दिया, तो अभी हम लोग छोटे पतंग उड़ाने वाले हैं और पीछे करने वाले हैं। तो यार शाम को भी हम लोग ने बड़े पतंग के ऊपर 2 घंटे लगाए थे, आप भी तकरीबन 1.5 घंटा लगाया, लेकिन बड़ा पतंग भाई नहीं उड़ा, उसका वजन इतना ज्यादा है कि नहीं उड़ सकता, और यार हवा बहुत कम है जिसकी वजह से नहीं उड़ पा रहा वो। अगर वो पतंग उड़ेगा भी तो तूफानी हवा के अंदर चलेगा, जिस दिन तूफानी हवा चलेगी उस दिन हम लोग इंशाल्लाह बनाएंगे वो। तो अभी जी हमारे पास है जी एक एक तवा के 2 पतंग, तो नासिर भाई पेचा हो जाए मुकाबला हो जाए, पेचा की हो जाए। तो चले जी चले, कौन हारता, मैं हारता हूँ बकर भाई, तो स्टार्ट करो, चलो पेचा करते हैं, मजे करते हैं, चिल करते हैं। पतंग उड़ गए हैं, हवा में चले गए हैं, अभी देखते हैं इनमें से कौन जीतेगा। तो ये दोनों पतंग ऊपर, दोनों के पतंग उड़ चुके हैं, देखते हैं कि किसकी पतंग करती है। तो दोनों के पतंग इस टाइम आसमान पे, अभी कोई पता नहीं चलेगा किसकी पतंग करती है। तो अभी जी नासिर भाई को मैं नीचे से उठाऊंगा, तो ये देखे जी फाइनली पेचा भी पड़ने वाला, लगाओ पे और टूट गया नासिर भाई का, ओ ये गया जी नासिर भाई का पतंग दूर, दोनों के टूट गए, दोनों के पतंग टूट गए। और तो यार हवा इतनी तेज है, हम लोगों ने कच्चे धागे से उठाए थे, वो देखे जी दोनों के दोनों पतंग, वो देखे पतंग हमारा ऊपर को जा रहा है, वो देखे।